हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ फेमस और महान ब्लॉगर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत ही बड़ी है और आजकल तो ब्लॉगिंग इंडिया में बहुत ही आम बात हो गई है, लेकिन इन लोगों की भीड़ में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडिया में ब्लॉगिंग की शुरुआत सिर्फ शौकिया तौर पर की थी, लेकिन आज वो अपना वो शौक जीने के साथ साथ लाखों रुपए हर महीने कमाते हैं और वह भी सिर्फ ब्लॉगिंग के ज़रिए। ब्लॉगिंग करने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, कोई भी इंसान ब्लॉगिंग कर सकता है जिसे कुछ अच्छी नॉलेज हो और उस नॉलेज का यूज़ करके आप लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं और अपने ब्लॉग को फेमस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इंडिया के कुछ 5 फेमस ब्लॉगर के बारे में जानते हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग से अच्छे पैसे कमाए। दोस्तों, 5वें नंबर पर मैं जिस ब्लॉगर की बात करूंगा, उनका नाम है इमरान उदैन। ये एक 24 साल युवक हैं जिन्होंने अपने कॉलेज टाइम में ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट करी थी और इनका कहना है कि इन्होंने ब्लॉगिंग थोड़े पैसे कमाने के लिए की थी, लेकिन वे आज इंडिया के टॉप 5 ब्लॉगर्स की लिस्ट में शामिल हैं। इसका कारण ये है कि जहां दूसरी तरफ ज़्यादातर ब्लॉगर उन टॉपिक्स पर ध्यान देते थे जहां से ट्रैफिक मिलता है, जिससे उनका ब्लॉग ज़्यादा फेमस होता, वहीं दूसरी तरफ इमरान उदैन ने दुनिया से अलग जाकर कुछ अलग सोचकर एक ब्लॉग स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और थॉट्स पर कुछ आर्टिकल्स को पब्लिश करना शुरू किया और देखते ही देखते लोगों को उनकी ये नई सोच वाली ब्लॉगिंग पसंद आ गई और आज वो हैदराबाद के एक जाने माने व्यक्ति हैं। उनसे जब पूछा गया कि उनकी पहली इनकम क्या थी ब्लॉगिंग से, तो उन्होंने कहा कि मैंने ब्लॉगिंग से पहली बार 300 रुपये कमाए थे और उस अर्निंग के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनकी हर महीने की इनकम ऑन एन एवरेज $10,000 है, जिसे वो गूगल डिस्प्ले एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड कंटेंट को अपने ब्लॉग पर लगाकर कमाते हैं। 4th नंबर पर इस लिस्ट में आते हैं अमित भिवानी। अमित भी हैदराबाद के ही रहने वाले हैं और 2014 में इन्होंने अपने ही नाम से एक ब्लॉग स्टार्ट किया था जिसका नाम था amitbhiwani.com। शुरुआती तौर पर इनको टेक ब्लॉगर बनने का शौक था और इसी शौक ने इन्हें एक फेमस शख्सियत में तब्दील कर दिया। अमित कहते हैं कि इस ब्लॉग ने इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते थे। अपने ब्लॉग में ये टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में रिव्यू एंड इनसाइट देते थे, जिससे लोगों को रेगुलरली अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि मार्केट में कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या किस फ़ोन के क्या फीचर्स हैं आदि। टेक ब्लॉग होने के कारण ये अपना ज़्यादातर पैसा लीडरबोर्ड एड्स, एफिलिएट और गूगल एड्स के जरिए कमाते थे। इस लिस्ट में 3rd नंबर पर नाम है शिव्या नाथ का, जिनका ब्लॉग द शूटिंग स्टार डॉट कॉम बहुत ही अलग और फेमस है, खास करके यूथ के बीच में। शिव्या एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं जिनकी उम्र 28 साल की है। इनका ब्लॉग ट्रैवलिंग से रिलेटेड पोस्ट अपलोड करता है। शिव्या का कहना है कि इन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और घूमने फिरने के साथ साथ उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक था, तो उन्होंने 2011 में एक ब्लॉग बनाने के बारे में सोचा जिसमें उन्होंने अपने ट्रिप्स के दौरान खींची गई तस्वीरें और एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि देखते ही देखते लोगों को उनका ये आइडिया पसंद आने लगेगा और उनका ब्लॉग इतना फेमस हो जाएगा। आज वे एक सक्सेसफुल ब्लॉगर हैं और अपने हर सपने को जी रही हैं और हर महीने लगभग 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट करती हैं अपने ब्लॉग से या ट्रैवल कंपनीज को अपनी पिक्चर्स, स्टोरीज और फिलॉसफीज शेयर करके। अगले नंबर पर मैं जिस इंसान की बात करूँगा, उन्हें तो आप जानते होंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के बादशाह हैं इंडिया में, और अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या बनना चाहते हैं तो इनका ब्लॉग आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। इनके ब्लॉग पर लाखों लोग हर दिन अपडेट रहते हैं और जिससे वे नई नई पॉलिसीज, चेंजेस या अफेक्ट्स के बारे में जानते रहते हैं। इस ब्लॉग का नाम है शाउट मी लाउड और इस ब्लॉग के मालिक हैं हर्ष अग्रवाल, जिन्होंने 2008 में गुड़गांव में एक कॉल सेंटर की जॉब छोड़कर ये ब्लॉग स्टार्ट किया था और डिजिटल मार्केटिंग पर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना स्टार्ट किया था और इंटरनेट या यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। आज ये 29 साल के हैं
और इंडिया के एक जाने माने ब्लॉगर माने जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे यूथ और ब्लॉगर्स के रोल मॉडल भी हैं। इनकी इनकम 20 लाख हर महीने की मानी जाती है। इसका कारण है वेबसाइट पर लाखों लोगों का ट्रैफिक, और ट्रैफिक के साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट एड्स और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ भी पैसा कमा लेना। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जिनका नाम है वे इंडिया में ब्लॉगिंग के सबसे बड़े और सबसे पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं। आज वे 40 साल के हैं और उन्होंने ब्लॉगिंग 27 साल की उम्र में शुरू की थी। उनका ब्लॉग देश का सबसे फेमस और सबसे हाई अर्निंग ब्लॉग माना जाता है। उन्होंने 2004 में एक टेक ब्लॉग को शुरू करने के बारे में सोचा था, जिसमें वे लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एप्स या इन्फॉर्मेशन के बारे में अपडेट रखते थे और साथ ही साथ इंटरनेट के यूज़ पर कुछ टेक्निक्स बताते थे। 2004 से ही इनका ब्लॉग, जिसका नाम lebanol.org है, लोगों में लोकप्रिय होने लगा और अपने ब्लॉग की शुरुआती दिनों में ही इसका ट्रैफिक लाखों में पहुंच गया था। आज ये ब्लॉग हर महीने करोड़ों की इनकम जनरेट करता है। साथ ही साथ इस ब्लॉग ने अमित को दुनिया में नाम और शोहरत भी प्रोवाइड की है, जिससे वे अपने सपने अच्छी तरह से जी रहे हैं। आई होप आपको इन सब के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, और अगर आप एक अच्छा कंटेंट डाल सकते हैं तो आपको ब्लॉगिंग ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। तो जाइए आज ही एक ब्लॉग परचेज करें और अपने आइडियाज़ को शेयर करना स्टार्ट करें। होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।